हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गोभी लिया है, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा। मंचूरियन को क्रिस्पी होने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच चावल का आटा। अब इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई थोड़ा सा प्याज। अब 1 चम्मच टमाटर केचप डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, मैंने अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसका हम मंचूरियन बॉल्स तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने सारे मंचूरियन बॉल्स को तैयार कर लिया है। मैंने पहले से ही तेल को गर्म होने के लिए डाल दिया था। तेल अब गर्म हो चुका है। अब तेल में बॉल्स को एक एक करके डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम बीच बीच में पलटते रहेंगे। देखिए, अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। बाकी के बचे मंचूरियन बॉल को इसी तरह छान के निकाल लेंगे। देखिए, मैंने सारे को छान के निकाल लिया है। फिर से एक पैन चढ़ाएंगे। इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल अब गर्म हो चुका है। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई डाल देंगे। दोनों को डाल के थोड़ा पका लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। 1 बारीक कटी हुई टमाटर डाल देंगे। अब इन सभी को 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं। 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 2 चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल देंगे और 1 चम्मच सेजवान चटनी डाल देंगे। सेजवान चटनी ऑप्शनल है। अब इसे अच्छी तरह मिला देंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें 1/3 कप पानी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच मैदा डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह मिला देंगे और इसमें 1 उबाल आने देंगे। अब इसमें मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे।
फ्लेम को हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब गोभी मंचूरियन बनके रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।